कौशाम्बी के संसदीय क्षेत्र में भाजपा का प्रचार करने पहुंचे भोजपुरी सुपरस्टार और दिल्ली प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी। कुंडा तहसील के हीरागंज में लोगों से किया भाजपा को वोट देने की अपील और कहा कि 23 मई को दोबारा मोदी सरकार बनने जा रही है, इसलिए यहां से भी सांसद चुनकर भेजें। पत्रकारों से बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि मलाई खाने वाले नेताओं के लद गए दिन, अब काम करने वालों को चुनेगी जनता। भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर के चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी। भाजपा सांसद का बुआ बबुआ के गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि ऊपर से दिख रहा गठबंधन, अंदर खाने में कोई नहीं दे रहा समर्थन। कौशाम्बी से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। वो है सबसे ज्यादा प्रभावी है इस समय, तो गठबंधन के बारे में क्या राय है भाजपा की? गठबंधन केवल ऊपर ऊपर बुआ बबुआ का हो सकता है। जमीन पे लोगों को घर में गैस चाहिए, अपनी सुरक्षा चाहिए, घर घर टॉयलेट चाहिए, लोगों को बैंक की सुविधा चाहिए, किसानों को पेंशन चाहिए, व्यापारियों को सुरक्षा चाहिए, पेंशन चाहिए, सब लोग। कोई भी अब उस गठबंधन के झांसे में आने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को आप 23 तारीख को आप देखिएगा कि पहले जो 73 सीटें थी वो अमेठी मिला के अब 74 होने वाली।